हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू हसीना लाइफ स्टाइल। हाँ जी, और आज हम लोग जा रहे हैं मुगल गार्डन, क्योंकि मुगल गार्डन साल में एक ही बार खुलता है फरवरी के मंथ में, और फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं विजिट करने मुगल गार्डन। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स मिलेंगे और मजे करेंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। हेलो गाइस, ये देखिए, ये मेरा भाई, ये भी जा रहा है साथ। सलाम तो कर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज भी ये मेरे ब्लॉग का सत्यानाश करने वाला है साथ में जाके, ये भी जाएगा साथ में मुगल गार्डन। अच्छा, उसका नया नाम रखा गया है अमृत ध्यान। हम लोग जा रहे हैं, वैसे मुगल गार्डन ही ज्यादा अच्छा है अभी तो हम घर। तो ये गाइस देखो, सब रेडी हो गए हैं, इसको पता चल चुका है। हमारे भाई, हमारे सिस्टर, कहीं निकलने के टाइम में घर की हालत कितनी खराब हो जाती है। मत चलो चलो गाइज, हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कालकाजी मंदिर, और वहाँ से हमने चेंज करी है और चेंज करके हम लोग आ चुके हैं। कौन सा मेट्रो स्टेशन है ओसामा? ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। हाँ, और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, और फाइनली बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पर ऑटो कर ली थी, और ऑटो से हम लोग पहुंच गए सीधा अमृत उद्यान। हाँ, मुगल गार्डन। आई थिंक मुगल गार्डन ज़्यादा बेटर है ना, कह सकते हैं। मुझे तो मुगल गार्डन ही ज़्यादा पसंद है। और देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रही है, बहुत भीड़ है। टिकट तो वैसे भी फ्री है, तो सब तो आना ही चाहेंगे। टिकट नहीं है, वो एज ए इंक्वायरी है ना, कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं। तो ये हमने ले ली है, और ये जीरो कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप जब भी आ रहे हो वहाँ पे बाहर में ये मिल जाते हैं, तो आप बाहर से ये ले सकते हो जीरो कॉस्ट में। 10 बजे से 4 बजे तक खुली रहती है, आप जब भी आ रहे हो यहाँ पे, फरवरी के लास्ट तक ही खुली रहती है। तो आपको अगर आना है तो मॉर्निंग में जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग फिर से लेट हुए हैं अगेन, लेट लगती है। संडे को तो बिल्कुल नहीं आना है। बहुत ही मशक्कत के बाद फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं मुगल गार्डन में। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, और यहाँ पर टिकट वगैरह तो नहीं लगती है, बट आप अगर जल्दी आए, अगर वीकेंड पे आ रहे हैं तो जल्दी आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पे। देख सकते हैं आप मेरे पीछे में इतनी ज़्यादा पब्लिक है, जबकि शाम होने वाली है, 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे तक ही खुली रहती है, फिर भी इतनी पब्लिक है। फुल पत्ती में बैठना है, फुल पत्ती क्या है? What happened? खिचड़ी है खा ले। एक इधर स्ट्रगल, ये देखो परेशान बच्चे। मौसम भी है सुहाना। अजी अजी क्या चेहरा इतना चमक, मजा आ रहा है? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा, कोई फ्लावर्स वगैरह। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है, जो म्यूजिक पे मूवमेंट करता है, म्यूजिक पे डांस ना, डांस ही कहते हैं। हाँ, फवारे का डांस पानी का। तो यहाँ पे म्यूजिकल फवारा है, जो कि म्यूजिक पे मोमेंट करता है, डांस करता है। इसको ही कहते थे फवारे वाला, पानी वाला डांस। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्यूट से ऑरेंजेस है, और मतलब ऑरेंज लाइन से लगे हुए, ऑरेंज का बागान कह सकते हैं इसे। इसे हम रुक के देख भी नहीं पाए, क्योंकि भीड़ इतनी थी। सही बात है, एंट्री करने के टाइम में इतनी धक्का धुक्की हुई कि
पता ही नहीं चला हम जा कहाँ रहे, बस धक्का से घुस गए अंदर। और ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे रोजेस लगे हुए यहाँ पे, कम से कम 10 टाइप के, मतलब 10 वैरायटी के आपको गुलाब मिल जाएंगे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बस आप इन्हें टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है पीछे में, राष्ट्रपति भवन है ना, और ये राष्ट्रपति को मिलना है। नाइस नाइस। ये रहे फ्लावर्स, ये रहे फ्लावर, बात तो सही है। एक जूता कहाँ गया, ढूंढ रही है वो। This is your shoes. Your shoes. चलो प्रतीक, तो बाबू की छोड़ छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। आओ इधर 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 नॉल नॉल, आपको मजा आ रहा है। तो गाइस ये देखिए मेरी डॉल को गार्डन के अंदर जाना है फ्लावर पकड़ने के लिए, उसको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस ये फ्लावर देखते देखते एक चीज़ मत भूल जाना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, कम से कम 100K तो लाइक होना चाहिए ना। 100K कितना होता है? बहुत यार, 100K करवा दो लाइक प्लीज, तो फिर इसी तरह के वीडियो के लिए और लेके आएंगे, दिल्ली के सारे टूर करवाएंगे हम। और ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे गार्ड्स थे, ताकि जो इतनी तादाद में पब्लिक है ना, वो फूलों को मसल ना दे। और ये देखिए मैं मौका नहीं छोड़ रही थी, जहाँ पे मुझे गार्ड नहीं दिखाई दे रहे थे मैं सेल्फी लेने लग रही थी। मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बस आप परेशान मत करो, आप फूलों को टच मत करो, उनको नुकसान मत करो। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये, एक तरह से लगे हुए, और ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही, ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा जन्नत का नज़ारा है यहाँ पे, देखने को मिल जाएगा आपको। आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये साल में एक ही बार खुलता है, और आपको जाना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगी। क्यों, समझ आना चाहिए कि नहीं जाना, जाना चाहिए? तो चाहिए, बात तो सही है। बिल्कुल बात तो सही है, जाना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ के लिए ही खुलता है, आप जाइए, बट संडे में मत जाइए, ताकि आप अच्छे से इन फूलों का नज़ारा ले सकें। और बच्चों को ले जा रहे हैं तो आप वीकेंड पे तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं गर्मी और धूप भीड़, बच्चों को वैसे भी भीड़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया। और ये देखिए कितने प्यारे तरीके से कैक्टस लगाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कैक्टस की समाधि बना दी है। समाधि कैक्टस की है, अभी फिर किसी और की भी बन जाएगी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो ये देखिए बस बहुत ही बड़ी जगह में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में ये गार्डन बनाया गया है, और अभी इसका नया नाम अमृत उद्यान रखा गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसका पुराना नाम ही ज़्यादा अच्छा था कि नया वाला, मुझे तो स्पेशली पुराना वाला ही ज़्यादा नाम अच्छा लगा। वैसे चेंज होना चाहिए बट ठीक है, बट जो नाम सूट करता है मेरे हिसाब से वही सही है। और यहाँ पे रोज़ के जो अलग अलग क्यारियाँ बनी हुई थी ना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया है, और बहुत ही हिफाजत से इनको रखा जाता है। तो जो चीज़ हिफाजत से रखी हो उनको तो नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहिए, बस उनको फील करो, महसूस करो अच्छे से, और मज़े लो। हमें तो बहुत ही मज़ा आया, आई होप मेरी वीडियो देख करके आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ इस बात पे तो एक लाइक बनता है, लाइक ठोक दो, लाइक ठोको ठोको, और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आऊँ आप सबके लिए।
देखिए गाइस, ये मेरी डॉल अपने मामा के कंधे पे सैर कर रही है, मतलब ऊपर से नज़ारा देख रही है ये, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना। वसामा, तुझे मज़ा आ रहा था उसको कंधे पे घुमाने में? हाँ। थका तो नहीं? वो मेरे सर पे सो गई थी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी भीड़ में, इसलिए मैंने इसके कंधे पे बिठा दिया था। और ये देखिए बहुत ही प्यारी तरीके से हैंग किया हुआ है फ्लावर, मतलब ऐसे लग रहा था कि नकली है ना। हाँ। लेकिन है ओरिजिनल। और ये मेरे मिस्टर जी को देखिए सेल्फी लेते हुए हैंगिंग फ्लावर के साथ, ये भी मौका नहीं छोड़ रहे थे फ्लावर, मतलब इनको तो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना फ्लावर्स, नेचर की वीडियो, और मेरे से ज़्यादा वीडियो ही खुद लेते हैं। वो अच्छे आए ना है वो पता नहीं। तो ये गेट के पास जहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंगिंग फ्लावर लगाए हुए हैं, और अलग अलग वैरायटी के फ्लावर है, वो सभी फ्लावर ओरिजिनल है, बहुत ही प्यारे तरीके से लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुगल गार्डन, और आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है हम लोगों की, और ये रो रहा है, इसको आइसलैंड जाना था। कहाँ जाना था सुल्तान? एडवेंचर आइसलैंड जाना था। नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम होता है। तो फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं, बहुत ही वैराइटीज़ के फ्लावर्स देखने को मिले, रोजेस देखने को मिले। अगर इतनी ज़्यादा रश नहीं होती तो बहुत ही मज़ा आता है गाइस। तो जब भी आए आप, स्टार्टिंग में आए और मॉर्निंग में आए, है ना। तो गाइस ये देखिए, एक को मेट्रो से जाना है और एक को ऑटो से। यहाँ हम आसान युद्ध है, यहाँ ऑटो नहीं मिल रहे हैं। मंकी के पास जाना है, मंकी के पास जाना है। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मॉर्निंग में सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गए थे, और वहाँ पे कुछ भी खाने की चीज़ें अलाउड नहीं है, ले जाना भी और बाहर मिलता भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने चिकन फ्राई ऑर्डर किया था, और अब मज़े से चिकन फ्राई खाएँगे, थोड़ी सी पेट पूजा तो होनी चाहिए। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर, तो हमें तो बहुत ही मज़ा आया, आपको जाना है तो जाइए। शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग वापस आ चुके हैं। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें।